साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस टेस्ट कांस्टेबल रिजल्ट। 10 दिन में इंतजार होगा खत्म। जानिए आइए यूपी पुलिस का फिजिकल टेस्ट शुरू की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका फिजिकल टेस्ट कब होने वाला है आइए जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना है, हाँ चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर यूपी पुलिस का जो फिजिकल टेस्ट होना है वो यहाँ पर बताया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 अगस्त 2024 के बीच हुई थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा प्रोन्नत बोर्ड इस महीने की आखिरी हफ्ते यानी 31 अक्टूबर तक पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट पर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट भी इसमें शामिल होगा। तो फिजिकल टेस्ट दोस्तों कब होगा, यहाँ पर बताया गया पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा का दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट ही होता है। उसके बाद यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल सरकारी रिजल्ट 2024 पर घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस आंसर की सरकारी रिजल्ट का अनुमान लगा चुके हैं जिसमें अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि दोस्तों फिजिकल टेस्ट की जो तैयारी है वो आप करते रहिएगा और किसी भी दिन निकल सकती है। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के जरिए 60,244 योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर यही आपका शारीरिक परीक्षण होता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी जिसमें आपका कद वजन और लंबाई माप की जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि आपके शरीर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो कब होगा, तो चलिए अभी दोस्तों 31 अक्टूबर तक इसका परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है। 31 अक्टूबर तक आपके परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों नवंबर लगेगा, तो नवंबर में दोस्तों आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता में कोई सरकारी काम नहीं होगा। उसके बाद दिसंबर में चुनाव होगा, चुनाव में दोस्तों यहाँ पर कोई कार्य होता नहीं है, ठीक है। तो चुनाव के तुरंत के बाद दोस्तों जो भी डेट आएगी तो उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो इतना आपको तय है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट, ठीक है, उसमें तो दोस्तों यहाँ पर आपका परीक्षण का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे चुनाव भी होने हैं, चुनाव के लिए दोस्तों 1 महीने पहले यह आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, ठीक है। और चुनाव के बाद ही दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपका जनवरी या फरवरी के बीच यानी कि जनवरी फरवरी में आपका जो है फिजिकल टेस्ट हो सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर बयान है जो कि आधिकारिक, ठीक है। तो अभी आधिकारिक बयान नहीं आए, इनकी डेट के बयान नहीं आए कि कब होगा कब नहीं होगा, ये तिथि निश्चित नहीं की गई, लेकिन 7 से 8 दिन के अंदर इन्होंने बताया कि बता दिया जाएगा कि कब जो इसका फिजिकल टेस्ट होना है। बाकी ये छोटी सी जानकारी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।